ऋषभ पंत के बल्ले से चौका निकला था, विवेक राजदान के मुंह से टूटा है गाबा का घमंड वाली लाइन निकली और उसके बाद गाबा के मैदान पर तिरंगा लिए टीम इंडिया की युवा पीढ़ी चक्कर लगा रही थी। लेकिन इस सबसे खास जो था वो हर उस क्रिकेट फैन की आंख का आंसू था जिसने सीरीज का संघर्ष ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत की क्रिकेट की मैदान पर हर वो टक्कर देखी है जो पिछले दो दशकों में हुई थी। बचपन में सुना था 24 घंटे में एक वक्त ऐसा आता है जब आपकी जुबान पर सरस्वती बैठी होती है जो बोले सच हो जाता है। कई बार इस कहावत को सच होते हुए भी देखा, लेकिन आपकी जुबान से निकले कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो इतिहास बन जाते हैं। ऐसा इतिहास जो मौजूदा पीढ़ी बार बार दोहराए, जिसे बार बार सुनने को आने वाली पीढ़ी लालायित हो जाए। 19 जनवरी 2021 को जब ब्रिस्बेन के गाबा मैदान पर 23 साल के ऋषभ पंत ने बॉल को बाउंड्री की तरफ पहुंचाया, उस वक्त कमेंट्री कर रहे विवेक राजदान के मुंह से जो शब्द निकले वो इतिहास थे। शायद जो कहानी थी वो इससे बेहतरीन शब्दों में बयां नहीं की जा सकती थी। कोरोना काल के बीच साल 2020 कैसे निकला किसी को पता नहीं निकला, हर कोई अपने घरों में था। उस साल के अंत में क्रिकेट फैंस के लिए एक उम्मीद थी जो जोश पैदा करती थी, वो था भारत का ऑस्ट्रेलिया दौरा। विराट कोहली की अगुवाई वाली इसी टीम ने 2018 में ऑस्ट्रेलिया को उसी के घर में मात दी थी। अब मौका था इतिहास को दोहराने का और दुनिया को ये बताने का, पिछली बार जो हुआ वो तुक्का नहीं था, पहला मुकाबला ऐसा हुआ कि वो भी इतिहास बन गया। दूसरी पारी में टीम इंडिया सिर्फ 36 रनों के स्कोर पर आउट हो गई। भारतीय क्रिकेट इतिहास का सबसे कम स्कोर, ये वो चोट थी जो ऑस्ट्रेलिया से लेकर हिंदुस्तान तक हर भारतीय क्रिकेट प्रेमी ने महसूस की थी। कप्तान विराट कोहली पहले मैच के बाद वापस अपने घर लौट आए थे क्योंकि वो पिता बनने वाले थे और अपने परिवार के साथ रहना चाहते थे।